दोस्तों क्लाइमेट चेंज के चलते आईसी इंजन्स जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उससे लोग स्विच करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में एक प्रॉब्लम जो लोगों को अक्सर फेस करने को मिलती है वो है चार्जिंग की। जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में लॉन्ग ड्राइव प्लान करते हो, लंबी दूरी तय करने का सोचते हो, तो आपको एंजाइटी होती है रेंज को लेकर, आपको एंजाइटी होती है चार्जिंग स्टेशन को लेकर। अगर मैं लॉन्ग ड्राइव जाऊंगा तो क्या चार्जिंग स्टेशन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सी कंपनी का मिलेगा, फिर उस कंपनी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में हमें देखने को मिलती है। और इन सब का एक सॉल्यूशन लेकर आया है एमजी मोटर्स। तो क्या है वो सॉल्यूशन, वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन और इस वीडियो में आपके लिए है कुछ खास। तो MG मोटर्स ने आज एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, नाम रखा गया है E-Hub। अब ये E-Hub क्या है, तो नाम से जैसा पता चलता है ये हब है इलेक्ट्रिक चार्जर्स का, एक एप्लीकेशन जिसके अंदर सभी इलेक्ट्रिक चार्जर कंपनियों के चार्जर्स आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव प्लान कर रहे हो तो किसी भी लोकेशन में आप जा सकते हो, जहां भी जितने भी उस रूट के चार्जर्स होंगे वो सब उस एप्लीकेशन के अंदर आपको नजर आएंगे। चार्जर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है वो भी आपको वहां नजर आएगा। और सबसे अच्छी चीज है पेमेंट, पेमेंट के लिए आपको कोई भी वॉलेट या किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, आप डायरेक्ट अपने UPI का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये किस तरह से काम करता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरा स्क्रीन हमारे सामने है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो E-Hub, ये आप देख सकते हो जितने भी चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हैं वो सब यहाँ नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं रूट प्लान करता हूँ, मुझे जाना है दिल्ली टू कहीं भी, तो मैं यहाँ से अपनी लोकेशन जो है वो सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लोकेशन दिल्ली टू चंडीगढ़ सर्च कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर इसको सर्च करूँगा तो इस तरह से मुझे पूरा मैप जो है वो नज़र आएगा और क्या स्टॉप वगैरह है यहाँ पर, कितने चार्जिंग स्टेशन हैं वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर मैं देख सकता हूँ। और तो और अगर मुझे अपने ट्रिप को एडिट करना है, मतलब मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ लेकिन रूट प्लान में चेंज कर लेता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ एडिट रूट पर जाकर वो चीज़ें भी कर सकता हूँ। आपके रूट पर कितने चार्जिंग स्टेशन हैं वो सब आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और अपनी गाड़ी को अगर आपको चार्ज करना है तो कितना अमाउंट उसका लगेगा आप यहाँ देख सकते हो, 16.5 रुपीज पर किलोवाट आर आपको खर्च करने हैं। HP का चार्जर है और यहाँ कौन से हाईवे पे है, तो वो सारी जानकारी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से आप पूरा रूट जो है वो अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस जब आपको पेमेंट करना है तो आपको वॉलेट में पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उस चार्जर की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसी एप्लीकेशन से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और पेमेंट के लिए सिर्फ आप अपने डायरेक्ट UPI का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट अपने पेटीएम या गूगल पे, जो भी UPI आप इस्तेमाल करते हैं उससे इसका पेमेंट कर सकते हैं। E-Hub के साथ साथ MG मोटर्स ने Jio के साथ में कोलैब भी किया है। और अब Jio की जो एप्लीकेशन हैं, Jio सावन, Jio मूवी, इस तरह की चीज़ें आप डायरेक्ट अपनी गाड़ी के इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर यूज कर पाएंगे, यानी कि आपकी गाड़ी में जो डिस्प्ले लगा हुआ है वहां पर आप Jio की तमाम एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वहां पर मूवीज देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोस चला सकते हैं, गेम्स आप खेल सकते हैं, Jio गेम्स जो आते हैं तो वो भी आप अपने कार के स्क्रीन पर खेल सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो Jio ऑफर करता है अब आपको MG की गाड़ियों में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि MG और Jio ने कोलैब कर लिया है। और इसके अलावा MG मोटर्स एक और खास चीज आपके लिए लेकर आया है, चलिए वो भी दिखाते हैं। देश की प्रगति के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है और बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर प्रॉपर लाइट फैसिलिटी नहीं है। और लाइट फैसिलिटी को प्रॉपर बनाने के लिए MG मोटर्स ने कोलैब किया लोहियम के साथ में। और आप जो ये मेरे साथ में स्कूल देख रहे हो, स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पर जो पूरा लाइटिंग सेटअप है ये MG मोटर्स की बैटरीज को इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो कि लोहियम के साथ मिलकर किया गया है। और नैनीताल जैसी जगहों में जहाँ पहाड़ों पर लाइट्स प्रॉपर नहीं जाती, वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल में MG मोटर और लोहियम मिलकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा MG मोटर्स लेकर आया EVpedia। क्या है ये, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आपके पास जितने भी सवाल हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी कैसे बनती है, कौन कौन सी बैटरी होती है, कितने तरह के चार्जर होते हैं, तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे यहाँ EVpedia के अंदर। इसके अलावा जो E-Hub एप्लीकेशन है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पर, तो इसके अंदर भी आप अपना ट्रिप वगैरह जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है
इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सब का आंसर आपको मिलेगा ईवीपीडिया के साथ में। इसके अलावा जब इलेक्ट्रिक कार्स की बात होती है तो आपके मन में एक सवाल आता है कि भाई जो पुरानी बैटरीज हैं उनका क्या, उनको रिसाइकल कैसे करेंगे, तो उसका जवाब भी यहाँ हमें देखने को मिला। एमजी मोटर्स और बेटेक्स एनर्जीज लेकर आया है ये चार्जिंग स्टेशन। बेसिकली ये सोलर पैनल आप ऊपर देख सकते हो, सोलर पैनल से यहाँ पर बैटरी चार्ज होगी और इस चार्जिंग स्टेशन के थ्रू आप अपनी कार और टू व्हीलर को चार्ज कर सकते हैं। तो पुरानी बैटरीज जो रिसाइकल होती हैं, जो वेस्ट आप कहते हो, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एमजी मोटर्स ने आज ये इवेंट रखा जहाँ पर एमजी ने अपने पूरे प्लान्स बताए और क्या कुछ इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर खास किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, वो एमजी ने यहाँ पर किया। सबसे अच्छी चीज़ ई हब एप्लीकेशन, जहाँ पर एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको सारी चार्जिंग स्टेशंस की जानकारी मिलती है और कोई भी वॉलेट रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ईवीपीडिया, जहाँ पर आपके मन में जो भी सवाल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर उनके सबके जवाब मिलेंगे। तीसरा ये चार्जिंग स्टेशन जो ये बताता है कि रिसाइकल बैटरीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और चौथा जो एमजी मोटर्स ने लोहियम के साथ मिलकर छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम किया है, तो ये काफ़ी खास बनाता है एमजी मोटर्स को इंडिया में। और ये जो इनिशिएटिव है एमजी का, ये आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट में बताएं। ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें फोटो जंक्शन।